hopefully addressing all the pressmen here today. I am Gulam Nabi Parvana, President, Jammu Kashmir Nationalist Awami Forum. और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मुद्दा यह है कि हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हम एक विकल्प के तौर पर इस स्टेट को दे रहे हैं, क्योंकि आज तक के हमारे जो हमारी सोच है, हम लोगों की जो सोच है वो है कि आज तक की जो सियासत इस रियासत जम्मू कश्मीर को मिली है वो सिर्फ ऐसी सियासत मिली है जिसने डेवलपमेंट नहीं की है, जिसने वायलेंस को जन्म दिया है, जिसने गरीबों का हक खाया है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम चीज़ों का खात्मा करने के लिए आए हैं, और इसका सबसे पहला ये मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी जाए, करप्शन खत्म कर दिया जाए। इसके लिए हम लोगों के पास जाएंगे, आप लोगों के माध्यम से और लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम को समझें और इस पर एक बार कम से कम एक बार इस पर भरोसा करके हमें मौका दें कि हम वो खिदमत करें जो आज तक कभी किसी सियासतदान ने नहीं की है। क्योंकि हमारा कॉल है कि सियासत इबादत है, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड एंड ऑल द फ्रेटर्निटी हियर, मिस्टर ए के भट्ट, आवर जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मंगत गंगाराम जी, हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, वो सारे लोग जो यहाँ पे हैं, ये सब जानते हैं, मानते हैं इस बात को कि आज तक किसी सियासतदान ने 70 साल में सियासत को इबादत नहीं कहा समझा, बल्कि सिर्फ ये समझा कि हजारों ऐसे आदमी हैं जिन्हें पॉलिटिशियन बनने से पहले जिनकी हैसियत भिखारी की थी, आज करोड़ों नहीं अरबों नहीं खरबों रुपए उनके पास हैं, एंड आई विल हैव टू सी वेयर फ्रॉम डिड दैट ऑल मनी कम, एंड इंशाल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ प्रेस, विद द हेल्प ऑफ द पीपल हु आर विद मी, हम उनका पेट फाड़ने जा रहे हैं और एक खरबों खरबों की दौलत जो उनके पास है उसको पार निकाल करके लोगों की खिदमत में उसे लगा देना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है। शायद मैं बहुत जज्बाती हो गया, बट दिस अ फैक्ट, सच अ फैक्ट विच हैज नेवर सो फार बीन एड्रेस्ड। सिर्फ क्या किया गया है कि बस लोगों को 370 में उलझाओ, जैसे आप लोगों ने भी अभी मुझे उलझाने की कोशिश की, बट आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट टच दैट 75 में उलझाओ, नहीं यार डेवलपमेंट करो। 30 साल से हम मर रहे हैं, एजुकेशन खराब है, टूरिज्म खराब है, हमारा रास्ता आज जो 70 साल से रास्ता बना नहीं है, अभी भी 15 दिन बंद रहता है, जबकि हम मरेख पर भी पहुंच गए। एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो गया कि हमारी ज़मीन बीमार हो गई और बीमारी के बाद मौत होती है, बट नोबडी इज केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंटल हैज़र्ड्स हैव टेकन अस टू दैट पॉइंट ऑफ लाइफ वेयर वी आर शॉर्टली गोइंग टू डाई। आई रिक्वेस्ट माई एवरीबडी, एवरी सिटीजन ऑफ माई स्टेट कि प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़िए, जज्बात के नारों को छोड़िए, खोखले नारों को छोड़िए, इन खानदानों को निकालिए अपनी सियासत से, एक नई सियासत लेकर जीएम परवाना और मेरा पूरी फौज आ रही है। हम कुछ देना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो हमारी दास्तान तक भी न होगी। दास्तान